साथ एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां भोपाल के इस्कॉन टेंपल में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। जन्माष्टमी को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता मयंक दुबे ने। हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आ गया है और हम पहुंच गए हैं इस समय पे इस्कॉन मंदिर। ये देखिए हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, मेरे पीछे ये जो रथ है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ, ये है जो भगवान जगन्नाथ जी का रथ है जिसको यहाँ पर सेल्फी पॉइंट के रूप में यहाँ पर रखा गया है। लोग यहाँ जब पहुँचेंगे तो यहाँ भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और सभी लोग यहाँ पर विराजमान रहेंगे भगवान, जिसको लेके यहाँ पे आप आ सकते हैं, यहाँ पे सेल्फी खिंचा सकते हैं। इसके बाद ये जो पूरा टेंट लगा हुआ है, इस टेंट के अंदर कम से कम 3 से 4 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, जिसमें कि पिछली बार जैसे कि आपको बता दें करीबन 40 से 45 हजार के ऊपर भक्त यहाँ पर पहुँचे थे, जिसको लेके यहाँ पे पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की जाती हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो गैलरी बनाई जा रही है जिस गैलरी में यहाँ पे प्रदर्शनियाँ और चीज़ें बाकी वगैरह चीज़ें जो भगवान से जुड़ी हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा और यहाँ पर जिसमें से लोग पहुँचे उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये स्टेज बनाया गया है, यहाँ पर जो प्रोग्राम शुरू होंगे रात 8 बजे से इस स्टेज पर प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर जो व्यवस्था है ये करीबन 5000 से ऊपर लोगों की बैठने की व्यवस्था है जो यहाँ पहुँचेंगे, भगवान का आनंद लेंगे, हरे रामा हरे कृष्णा के भजन होंगे, पूरा अद्भुत और अलौकिक वातावरण यहाँ पर देखने को मिलेगा। श्री राम और श्री कृष्ण के भजन पूरे समय माहौल में सभी लोग यहाँ पर होके पहुँचते हैं और ये जो स्टेज बनाया है पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। हम आपको यहाँ पे और भी चीज़ें दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर ये एक और पंडाल बनाया गया है, जो भी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे उन सब की भोजन प्रसादी की व्यवस्था इस जगह पर की जा रही है। यहाँ पर करीबन जो लोग पहुँचते हैं दिन भर में 40 से 45 हजार उनको लेके भी और जो लोग यहाँ पे उपस्थित रहेंगे 3 से 4 हजार लोग, सभी की भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जाएगी, जिसको लेके यहाँ का जो पूरा माहौल है पूरा कृष्णमय हो गया है। हम आपको यहाँ की यहाँ पर जो इस्कॉन मंदिर में जो कि भोजन बनाया जाता है वो चूल्हे पर ही बनता है हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए यहाँ पर पहुँचे हैं, ये प्रसादी है, ये सभी लोग भगवान हरे राम के गुणगान करते हुए ये चूल्हे पर ये नाश्ता खाना जो कुछ भी बनता है यहाँ पर चूल्हे पर ही पकाया जाता है, जो महाप्रसाद के रूप में जिसको लिया जाता है। ये महाप्रसाद है, ये बनाया गया है जो कि महाप्रसादी के लिए लोगों में बांटा जाएगा। और भी देखिए हम आपको यहाँ दिखाते हैं, यहाँ इनको जो लेके जाते हैं फिर वहाँ पर हलवा बनाया जाता है, अलग अलग चीज़ें बनाई है। ये देखिए पापड़ रखे हैं, ये महाप्रसाद की और चीज़ें हैं, ये हलवे रखा है, ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके के यहाँ पे पकवान और प्रसाद में भी हमेशा दिए जाते हैं जो कि चूल्हे से बनाए जाते हैं। ये जो अब हम आपको फूल दिखाने वाले हैं ये भगवान श्री राधा कृष्ण के लिए ये फूल हैं जो कि ये देखिए ये यहाँ पर लाए जाते हैं, ये भगवान के श्रृंगार में ये फूल पूरे यूज़ होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के यहाँ फूल हैं, इनकी मालाएं बनाई जाती हैं, इनकी अलग अलग तरीके से सजावट की जाती है जो कि यहाँ पे लाए जाते हैं। और ये भगवान के लिए मोर पंख यहाँ पर लाए गए हैं जो कि भगवान के उसमें यूज़ किए जाएंगे जब भगवान को सजाया जाएगा हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज के साथ, और ये भगवान के लिए ये मोर पंख भी इसमें भगवान की सजावट में लिए जाएंगे। ये भगवान के लिए ये मालाएँ हैं, ये कलकत्ता से ये मालाएं मंगाई गई हैं। यहाँ पे 10 से 12 प्रकार के अलग अलग प्रकार के फूल पहुँचाए गए हैं। ये बंधनवारे के लिए ये रखा हुआ है यहाँ पे, ये पूरी तैयारी है जो भगवान के श्रृंगार में और भगवान के आसपास में जो लगाए जाएंगे जो सजावट होगी उसको लेके यहाँ पर ये फूल हैं जो कि बाहर से भी आए हैं, कुछ शहर से भी हैं, पूरी लोग यहाँ पर साज सज्जा के इंतजाम में लगे हैं भगवान के, हर व्यक्ति हरे रामा हरे कृष्णा के गुणगान करते हुए भगवान की तैयारियाँ कर रहा है और भगवान के तैयारियों को लेके यहाँ पर यहाँ भी लोग पहुँचे। ये देखिए बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हम इस्कॉन मंदिर में हैं और हमारे साथ यहाँ के आदि गुरु दास जी हैं, आइए हम उनसे ही जान लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पे क्या कुछ प्रोग्राम्स होंगे।
जी हरे कृष्णा। पिछले काफी एक महीने से बहुत मंदिर के गृहस्थ भक्त, मंदिर के ब्रह्मचारी भक्त और हमारे एक यूथ फोरम है उससे बहुत सारे युवा वर्ग भी जुड़े हैं। सभी का मेहनत से बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस हैं जहाँ पे कार्यरत चल रहा है। एक प्रसादम डिपार्टमेंट है, फिर भगवान का विग्रह सेवा, उनका श्रृंगार, भगवान के मंदिर का डेकोरेशन, वो एक व्यवस्था है। भगवान के श्रृंगार के लिए अलग अलग जगह से फूल मंगाए गए तो उसके हार भी हमारे मंदिर से जुड़े माताएं हैं तो उनके द्वारा बनाया गया है। और हमारे एक युवा टीम है जो 3 विशेष ड्रामा तैयारी किया जा रहा है जो भगवान के महान भक्त हैं, एक श्रीपाद रामानुजाचार्य उनके ऊपर, और एक बिल्वा मंगल ठाकुर, ये भी भगवान के महान भक्त रहे हैं जो केरल से थे, और एक हमारे मंदिर से जुड़े छोटे छोटे बच्चों के द्वारा भी ध्रुव महाराज के चरित्र के ऊपर एक बहुत ही सुंदर नाट्य प्रस्तुति की जा रही है। तो उसका अभिनय, उसका संरचना, उसका निर्देशन, उसका डायलॉग्स, सभी चीज़ें मंदिर के जुड़े भक्तों के द्वारा ही किया जा रहा है। भगवान के लिए कुछ क्या कुछ प्रसादी में रखा गया है, क्या कुछ अलग से नई व्यवस्था है? जी, जो भी कार्यक्रम हो रहा है सभी के केंद्र भगवान ही है, और भगवान को जो भोग अर्पण होगा, विशेष करके 108 अलग अलग व्यंजनों के भोग लगेंगे जो मंदिर से जुड़े गृहस्थ भक्त और मंदिर से जुड़े ब्रह्मचारी भक्तों के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे कोई भी चीज बाहर से नहीं मंगाया जाता, सभी चीजें की शुद्धता चेक की जाती है और मंदिर के भक्त अत्यंत प्रेम पूर्वक उसको प्रिपेयर करते हैं और फिर भगवान को भोग लगता है। कितनी इम्पोर्टेंस रखती है कृष्ण जन्माष्टमी? देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण कौन है? परम पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उनका आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी। ऐसा नहीं कि जन्मदिन है भगवान का, जैसे आपका जन्मदिन होता है, मेरा जन्मदिन होता है। भगवान का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। तो जिस प्रकार सूर्य उदय होता है, तो आज सूर्य, हम ये नहीं बोलते कि आज सुबह 6 बजे सूर्य का उदय हुआ, सूर्य अनादिकाल से है, उसी प्रकार भगवान भी अनादिकाल से हैं। लेकिन जन्माष्टमी के उस शुभ मुहूर्त में भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं, तो वो दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और उसकी तैयारी बहुत भव्यता के साथ की जाती है। और भगवान क्या है? भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान के अनेक लीलाओं में हम देखते हैं, भगवान त्रिभुवन के, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक होने के बाद भी वो अपने भक्त के लिए क्या सारथी बन जाते हैं। एक पूतना होती है, वो भगवान को मारने के उद्देश्य से आती है, लेकिन क्योंकि उसका उद्देश्य ही वही होता है कि भगवान को दूध पिलाएगी, तो भगवान इतने कृपालु हैं, इतने महान हैं, दयालु हैं कि वो भगवान उसको यशोदा माता का दर्जा देते हैं। तो ऐसे भगवान की लीलाओं में ऐसे अनेकों लीलाएं हैं जो भगवान की भक्त वत्सलता प्रदान करता है। इसलिए भगवान की भक्त बनने का हम प्रयास कर रहे हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सभी आयोजन किया जा रहा है। तो भगवान की प्रसन्नता, भगवान के लिए ही ये पूरा आयोजन है जो कि हरे रामा हरे कृष्णा का माहौल है, हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज है, और इस्कॉन टेम्पल और पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का ये पर्व मनाया जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मैम, आप लोग यहाँ पे जुड़ी हैं, कब से जुड़ी हैं और क्या कुछ यहाँ पे? जी, हरे कृष्णा, मैं 2019 में इस्कॉन के संपर्क में आई थी, और जब से मैं अपने भगवत गीता को फॉलो करने का कोशिश कर रही हूँ, और मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए भगवत गीता पढ़ने के बाद, तो तब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ। इसको हमारे यहाँ इस्कॉन में बहुत बड़ी लेवल पे मनाया जाता है और बहुत अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे बहुत हजारों की संख्या में भक्त आते हैं जिनका प्रसाद व्यवस्था की जाती है, और बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, भगवान का जो कैसे जन्म होता है उसका पूरा पूरा लाइव दिखाया जाता है, कीर्तन होता है, और फिर 12 बजे जब भगवान का जन्म होता है तो उसमें भगवान का अभिषेक होता है, जिसके बाद में फिर से भक्तों को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या है श्री कृष्ण, आप लोग साल भर उनका इंतज़ार करते हैं, आप जन्म है धूमधाम से मनाने के लिए? श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनका वो हमारे जीवन में जो बदलाव आते हैं, हमारे जीवन को एकदम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। श्री कृष्ण से जुड़ के हमें समझ में आता है कि हमें हमारा जीवन कैसे जीना है। श्री कृष्ण जिनसे सब कुछ आया है, पूरी सृष्टि का निर्माण जिन्होंने किया है, वो श्री कृष्ण है। वैसे भी हम देखते हैं महाभारत में कि भगवान ने अपना जो विराट रूप दिखाया था उसका यही था कि भगवान क्यों दिखा रहे हैं वो विराट रूप, वो बता रहे हैं कि सब कुछ मुझसे आया, सारे जीव मेरे अंश हैं। तो हर किसी को एक पीस चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, ब्लिसफुल लाइफ चाहिए, तो इन सब का सोर्स क्या है? ये सब श्री कृष्ण से आती है। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आ जाती हैं। तो ये जो महिलाएं हैं ये सारी इस्कॉन टेम्पल से जुड़ी हुई हैं काफ़ी सालों से, और भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जैसा कि आपने सुना कि श्री कृष्ण
सब भगवान से ही आता है, सब भगवान से ही होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे साथ यहाँ के अध्यक्ष अच्युत कृष्णम जी महाराज जी हैं, जिनके साथ अभी हम हैं, जो कि यहाँ के अध्यक्ष हैं, हम उनसे ही जान लेते हैं। महाराज जी, कृष्ण जन्माष्टमी का क्या महत्व है? जी, ये कृष्ण जन्माष्टमी, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कृष्ण कौन है। तो भगवान भगवद गीताएं बता रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो भगवान श्री कृष्ण है जो हमारे परम पिता हैं, है ना। हम अपने बर्थडे मनाते हैं, अपने सगे संबंधियों के बर्थडे मनाते हैं, अन्य लोगों के बनाते हैं, लेकिन भगवान यहाँ पर प्रकट हुए हैं 5251 साल पहले, है ना। ये बहुत विशेष जन्माष्टमी है, 5251 ईयर्स बिफोर भगवान यहाँ पर प्रकट हुए। तो जैसे सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है, उसी तरह से भगवान यहाँ पर आते हैं और आने के बाद दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये जन्माष्टमी का ये भगवान कृष्ण को आह्वान दे रहे हैं कि हम उनसे जुड़ें, उनकी शिक्षाओं का पालन करें और अपने जीवन को सार्थक करें। यहाँ क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं कृष्ण जन्म को लेकर? इसको तो जब यहाँ पर वो आध्यात्मिक शरण में आएंगे, आध्यात्मिक आश्रम में आएंगे, तो एक उनको दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। तो उसके लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं और सभी के लिए ये निःशुल्क है। और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग भगवान की कथा सुने, प्रसाद लें और अपने जीवन का शुद्धि करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इस्कॉन टेम्पल पूरे देश में और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और फैला हुआ है, जहां पूरे देश में हरे कृष्णा हरे रामा के जयकारे लगाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जापान, इंडिया, लंदन, पूरी दुनिया में। तो हमारे साथ भी कुछ भक्त हैं जो कि अमेरिका और रशिया से हैं, जो कि यहां पहुंचे हैं। यू आर फ्रॉम वेयर? America. When you came to Bhopal? Like 2 weeks ago. What do you want to say about Shri Krishna? Shri Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and everybody should know about it. So we should distribute Bhagavad Gita. You are from Russia. When you came here, and what do you want to say about Shri Krishna? Yes, I'm from Russia, from Moscow. I came about 14 months ago. And I want to continue that we must distribute Bhagavad Gita, and also we must, next step is Srimad Bhagavatam, because Bhagavad Gita is like a school, basic knowledge, and Srimad Bhagavatam is like a university. Bhagavad Gita, this is a book spoken by Krishna, and Srimad Bhagavatam, this is a book about Krishna. What is Lord Sri Krishna is for you? What means of Lord Krishna for you? Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Can you both sing Hare Rama, Hare Krishna? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो ये थे वो भक्त जो देश और दुनिया में पूरा मंदिर जो भगवान के नाम से प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण हरे रामा हरे कृष्णा, ये भी यहाँ पहुँचे हैं इस्कॉन टेम्पल में कुछ ही समय पहले और हरे कृष्ण की भक्ति में मग्न नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम किए जाएंगे वो रात 12 से 2 बजे तक कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें कम से कम पिछली बार 45,000 से 50,000 लोग पहुँचे थे और इस बार भी यही अंदेशा जताया जा रहा है। कैमरामैन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ मयंक दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल। Krishna, Krishna, Krishna.